समझ लिया आप मेरी खुशी में खुश हो, इतना भी अंदर आके नहीं होता ना, मैं समझ गई थी। लोगों ने बोला कि इतनी चीज़ों को अवॉइड करना, उन सब चीज़ों को मैं अवॉइड करूँ। एक पेड़ गिरा पड़ा है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैंने इस प्रेजेंस ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। कल अभी हम आए थे, मतलब कल अभी नहीं, मतलब कल आए थे घर से। फिर आप लोगों को सब कुछ देख लिया, मतलब कि आकाश के दोस्त वगैरह आए थे, वो सब लोग बहुत खुश होते। वो लोग अभी यहीं पर रुके थे, तो अभी वो फिलहाल नीचे घूमने के लिए गए हैं। और ये वायर मेरे सर पर आके लटक गया है। तो बस ये है कि आज बारिश हो रही है, बहुत ही खूबसूरत। आज मैंने अपनी पहली वीडियो डाली है जहाँ पे मुझे कंग्रेचुलेशन सब चीज़ें आ रही हैं। सो थैंक यू सो मच। मुझे सच में बहुत अच्छा लगता है कि जब सब लोग मतलब मुझे ऐसे विश करते हैं सचियों के लिए और खुश होते हैं मेरी खुशी में। सो रियली थैंक यू। और अभी बस मैं नारियल पानी पी रही हूँ, क्योंकि सुबह से मैं लगभग 7:30 बजे की उठी हुई हूँ और खाना पीना सब कुछ बनाया, तो मैं रेस्ट नहीं कर पाई। तो लगभग अभी बज रहे हैं 1 और 1 बजे तक मैं लगभग काम ही करती रही हूँ। सो मुझे अपने आप को इतना एग्जॉस्ट नहीं करना चाहिए, इतना नहीं करना चाहिए, पर वो ना कि थोड़ा कोई आता है तो थोड़ा सा ना हो जाता है। तो अभी बस ये सब लोग बाहर घूमने गए और मैं बैठ के यहाँ पर नारियल पानी पीऊँगी। हाँ, पर मैंने खाने में कोई भी कंजूसी नहीं करी है, मैंने लगभग मैं अभी 3 बार खा चुकी हूँ। अब नारियल पानी पी रही हूँ, थोड़ी देर में खाना खाऊंगी और होपफुली जब तक शायद आकाश भी आ जाए। पर बहुत तेज़ बारिश हो रही है, लिटरली बहुत तेज़ बारिश हो रही है। मैं आपको दिखाती हूँ, मैं मतलब एक तो इतनी खुशी और खुशी पर देखो भगवान भी ऊपर से इतना बरस रहे हैं ना, इतना खुश हो रहा है मेरे साथ में। गर्मी हो रही है, इतने दिनों से गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी ऐसे भी। लुक एट दिस, मतलब यहाँ तक बारिश आ रही है ऐसे बिल्कुल अंदर। मतलब भगवान जी ठीक है, मैंने समझ लिया आप मेरी खुशी में खुश हो, इतना भी अंदर आके नहीं होता ना, मैं समझ गई थी दूर पास से ही। बहुत तेज़ बारिश हो रही है लिटरली, आपको आवाज़ से सुना दे रहा पौधे से गजल रहे हैं साथ ही साथ में। बहुत तेज़ बारिश हो रही है, साथ में हवा भी चल रही है। आज मैंने कपड़े भी धुले थे, सारे के सारे जो कपड़े थे ना मैंने यहाँ डालने पड़े मुझे, क्योंकि बारिश में सब भीग जाते हैं। और ये अच्छा था कि बारिश के पहले हवा शुरू हुई, तो उससे पहले भी मैंने सब चीज़ें कर दी। और बस अभी मैं थोड़ा सा आराम करूँगी, नारियल पानी पीऊँगी। और मैं सच में अपना बहुत ध्यान रख रही हूँ हर एक चीज़ से। लोगों ने बोला कि इतनी चीज़ों को अवॉइड करना, उन सब चीज़ों को मैं अवॉइड कर रही हूँ। कुछ लोगों ने बोला पपीता नहीं खाना, खैर मैं पपीता वैसे भी नहीं खा रही हूँ, पर मैंने अनासपाती का मैंने सुना है। कुछ लोग कह रहे हैं कोई दिक्कत नहीं खा सकते, पर मैं तब भी मैं खा ही नहीं रही हूँ। मैंने कहा कुछ दिक्कत हो तो अच्छा है कि ना ही खाओ। और लोग बोलते हैं कि फर्स्ट प्रेगनेंसी में थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखना होता है, तो इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा ध्यान रख रही हूँ अपना। चलने फिरने में लोग कह रहे हैं, कोई कह रहा है कि ठीक है तुम नॉर्मल थोड़ा बहुत चल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बस वजन मत उठाना, गर्म चीज़ मत खाना, ये सब चीज़ मेरे को भूली गई हैं। और चल फिर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर स्टिल मैं थोड़ा चलने फिरने में भी सीढ़ियों पर चलना वैसे चलना उन सब चीज़ों में थोड़ा सा मैं ध्यान ज़्यादा रख रही हूँ, क्योंकि मैं कुछ भी ऐसी दिक्कत नहीं आती कि मेरी वजह से मुझे लगे कि यार मैंने ये गलती करी और इसकी वजह से ये हो गया। तो मैं हर एक चीज़ का ध्यान रखने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। और आप सब लोग अपनी थोड़ी सी एडवाइस दो, और वैसे मैं जाते रहे वही सारी चीज़ें करने वाले जो मेरे डॉक्टर बोलेगी, और लोगों की आप सबको भी सुनूंगी। तो जो चीज़ें मेरे को लगेंगी हाँ यार डॉक्टर ने बोली, सिमची आपने बोली, तो वो सीधी सीधे मैं वैसे ही फॉलो करूँगी। और बस अभी डॉक्टर के पास हमें जो सीधा हम लाइव मिलेंगे वो लगभग मिलेंगे हम अभी से शायद 7-8 दिन और बचे हैं, उसके बाद हम जाएंगे। तब मेरा छठवां हफ्ता भी शुरू हो जाएगा, लगभग छठवें हफ्ते में जो बीच में चले जाएंगे हम। तो तब तक मैंने सुना है कि बच्चे की हार्ट बीट सुननी शुरू हो जाती है। बस मुझे थोड़ा सा ना डॉक्टर से ये रिक्वेस्ट करनी है कि प्लीज़ आकाश को भी सुन दो, थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लें जिससे कि मैं आप सबको भी दिखा सकूं कि उसकी हार्ट बीट जैसे हो रही होगी। वैसे वो मुझे पूरा स्कैन करके देंगे तो मैं आपको पूरा दिखा दूंगी कि बच्चे का जो भी चीज़ होगी, बट वो ना कि थोड़ा सा सुनते हैं तो मेरा एक्सप्रेशन आकाश का एक्सप्रेशन वो सब चीज़ें मैं कर पाऊँ। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी अगर डॉक्टर मान जाता है तो आपके साथ शेयर करूँगी वो सारी चीज़ें। फिलहाल मैं नारियल पानी पी लेती हूँ और मैं पूरे दिन मतलब लगभग 1 बजे तक मैं खड़ी रही हूँ, थोड़ा बीच में बैठी हूँ, पर ज़्यादातर मैं मोस्ट ऑफ द टाइम खड़ी रही हूँ। या आप ये काम करी वो काम करी, इधर से उधर उठा के रखना, सब कुछ रखना, हल्का हल्का सामान उठा रही हूँ, मैं भारी सामान कुछ नहीं उठा रही हूँ, मैं आपकी सारी बात मान रही हूँ। चलो अभी मैं नारियल पानी पी लेती हूँ और फिर थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ, ठीक है। यहाँ मैंने बैगन और आलू की सब्जी बनाई है। मैंने कुछ से लोगों से सुना है कि बैगन नहीं खाना चाहिए, तो आप लोग बता देना। अभी तो नहीं खाऊंगी, अगर खा सकते तो नेक्स्ट टाइम मैं खा लूँ, क्योंकि मेरे को अच्छी लगती है। लेकिन फिर मैंने तब भी बना दी, क्योंकि लोग आए हुए हैं। और यहाँ मैंने बनाया है घिया और चना, दोनों के अंदर प्रोटीन मतलब और सब चीज़ें भी। घिया बहुत अच्छा होता है हमारी बॉडी के लिए, चना दाल वाला सब अच्छा होता है। तो फिर हमारा ये हो गया और साथ में बस रोटी ये खाएंगे। अभी बस सारी चीज़ें ट्राई कर रही हूँ कि सब कुछ जो कुछ मैं कर सकती हूँ हर एक चीज़ फॉलो करने की कोशिश कर रही हूँ। अभी मैंने ना दरवाजा भी खोल दिया है और ये दरवाजा भी खोल दिया, तो हवा इतनी अच्छी आर पार हो रही है ना, आराम से बैठ के बिना पंखे में बैठ के मैं आराम से यहाँ पर मजे ले सकती हूँ। चलो थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं। और सब लोगों के पता मेरे पास व्हाट्सएप पे, उस पर यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे सबके मेरे पास कॉन्ग्रेचुलेशन, और सब लोग बहुत खुश हो रहे हैं। सो थैंक यू सो मच, अच्छा लग रहा है मुझे। आज एक बहुत ही स्पेशल सी फीलिंग आ रही है, क्योंकि सब लोगों की विशेष आ रही हैं। कुछ टाइम बाद ही बंद हो जाएंगी,
बट हाँ लोगों की एडवाइस बननी होंगी क्योंकि मुझे लोग कुछ ना कुछ एडवाइस करते रहेंगे कि ऐसा कर लो वैसा कर लो। वैसे सबकी जो जर्नी होती है प्रेगनेंसी की, सबकी प्रेगनेंसी का जो सब कुछ होता है वो सब कुछ बहुत अलग अलग तरीके से उनका होता है, उनकी जर्नी बहुत अलग होती है। बट स्टिल मैं जानना चाहूँगी आप सब लोगों की क्या जर्नी रही है, छोटा छोटा एक्सपीरियंस अपना जो बताना चाहो मैं पूरा पढ़ूंगी पक्का, और जो सबसे अच्छा लगेगा ना मैं नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करूँगी बताने का, मतलब बताऊँगी ऑफकोर्स। मैं चाहती हूँ वैसे जर्नी मैं खुद पढ़ना चाहती हूँ कि लोगों के साथ कैसे कैसे हुई है, कोई बताना कि बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, कोई बोला कि नहीं यार हमारी इतनी अच्छी नहीं गई थी, पूरे उल्टी करते रहे, बहुत बेकार जर्नी गई, और किसी किसी की मैंने सुनी कि बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होती है, बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। तो लेट मी नो कि आप लोगों की क्या जर्नी रही है, छोटा छोटा थोड़ा सा मतलब पैराग्राफ में थोड़ा सा जितना भी अपने जितना बताना चाहते हो बताओ, और मैं पूरा मैं सच में पढ़ना चाहूँगी। ये पता नहीं क्या कर रहे हो तुम लोग, लगे पड़े हो, अच्छा नहीं लगता इसे। ऐसे गरम गरम से सोच रहे आग सी निकल रही है उसके चक्कर में, है ना। बस ठीक है, अरे ठीक है बस रहने दो, अरे कोई नहीं। तो जस्ट मैं अभी स्कूल से आया हूँ और मैं अभी नहा के फ्री हुआ हूँ, और वहाँ पर पूजा कर रही है रेस्ट, क्योंकि बेचारी सुबह से लगी पड़ी थी, मैंने बोल दिया तुम रेस्ट करो आराम से, कोई दिक्कत नहीं, खाने पीना हम लोग बना लेंगे। तो वहाँ पे अभी आ रहे हैं नजर, ये लोग सब खाना बना रहे हैं यहाँ पर। तो बस अभी इसके बाद फिर थोड़ी देर में प्रिया को बोल देगी तुम सो जाना, तो वो सो जाएगी, थोड़ा रेस्ट भी जरूरी है, मतलब डॉक्टर ने बोला रेस्ट ही करना है, तो वो रेस्ट में करवा रहा हूँ अच्छे तरीके से। तो बस अभी यही है और फिर खाना खाता हूँ मैं थोड़ी बहुत देर में, दैट्स इट। आज मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, मैं भीग गया था एक्चुअली बारिश में, आज सुबह धूप हो रही थी, मुझे लगा कि मैं कार से चला जाऊँ, फिर मैं कार से मैंने सोचा क्या कार से जाऊँ, ट्रैफिक से बच जाऊँगा, उससे निकल जाता हूँ स्कूटी से, स्कूटी से जैसे निकला और फिर जब लौटते हुए तो बारिश में पूरा भीग गया, कोई नहीं। तभी मैं सो के उठने के बाद कार में बैठी हूँ, अभी हम थोड़ा सा बाहर घूमने जा रहे हैं और मेरा बहुत तेज गोलगप्पे खाने का मन कर रहा था। अभी लास्ट टाइम जब मेरे बर्थडे पे गए थे 18 पे गोलगप्पे खाने के लिए, तो फिर वही गोलगप्पे खाने का मेरा मन कर रहा था, और फिर साथ में अजय आर्यन वगैरह मिला, आकाश के दोस्त वगैरह भी हैं, तो फिर हम सब ने सोचा कि चलो चलता है, इन लोगों को थोड़ा सा वहाँ पर अपना घूमना फिरना था, तो मैं सोचा कि मैं गोलगप्पे भी खा लूँगी, थोड़ा सा घूम के आऊँगी अच्छा लगेगा, तो इसीलिए वहीं जा रहे हैं। आज मैं बहुत अपने आप को परेशान करा जो कि मुझे नहीं करना चाहिए, मैं नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखूँगी, कोई आए चाहे कुछ भी हो, मुझे अपना जो जिस हिसाब से मतलब मुझे अपनी बॉडी को देखना है, मतलब मुझे अगर लग रहा है रेस्ट चाहिए तो मैं रेस्ट उस टाइम पर ले लूँगी, ये अब जैसी भी बेवकूफ़ी नहीं करूँगा। आकाश ने मुझे बहुत डांटा सीरियसली, मेरे पैरों वैरों में कमर में बहुत दर्द हो रहा था क्योंकि मैं बहुत देर तक लगा था खड़े, फिर आकाश ने दवाया, फिर मैं थोड़ी देर सोई क्योंकि तभी मुझे नींद आई, मुझे नींद नहीं आ रही थी वरना, और आराम करने का फिर मैंने मम्मी से बात करी, मम्मी का फ़ोन आया और जो मतलब आकाश की मम्मी उनका भी फ़ोन आया, तो दोनों से बात करी, दोनों मम्मियों से मैंने बात करी, दोनों यही कह रही थी कि रेस्ट करो ज़्यादा, वो चीज़ें नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, तो वही सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए फिर अभी हम जा रहे हैं और बस गोलगप्पे खा के आएंगे। बहुत ज़्यादा मेरा मन कर रहा है गोलगप्पे खाने का। अभी गोलगप्पे खा के हम यहाँ पर आए, पता नहीं साइड में ऐसे है लाइटिंग का, बहुत ही सुंदर है, उधर भी बहुत सारी लाइटिंग है, इधर फोटोशूट करेंगे इस कपड़े के साथ में अपने बेबी के उसके लिए, क्योंकि मुझे इंस्टाग्राम पे पोस्ट करना, उससे पहले मैंने कुछ भी ऐसा बेबी से रिलेटेड मैंने कुछ भी पोस्ट नहीं किया, तो मैं सोच रही हूँ कि इसके साथ किया जाए, तो मैं आकाश यहाँ येल्लो या रेड है बहुत सारी जगह, तो वहाँ पर कर सकते हैं, चलो करा दें। हमारा हो चुका है क्यूट, अभी फिलहाल चल रहे हैं घर, मतलब अंदर मैं दिख नहीं रही लेकिन ढंग से, बाय बाय, नमस्ते नमस्ते नमस्ते, थैंक यू। एक पेड़ गिरा पड़ा है, ऐसा कितना पड़ा हुआ रखा है, आ जाती है ना खूब तेज, स्टैंड स्कूल थे ना,